तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में आप सीख पाओगे कि आप अपने सेलफोन को मोबाइल को यूज करते हुए कैसे एक प्रोफेशनल HD थंबनेल YouTube वीडियोस के लिए बना पाओगे। बहुत ही इजी स्टेप में मैं आपको सिखाऊंगा। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कैसर और आप देख रहे हैं टेक्निकल कैसर यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। सिंपल आपने जाना है जी प्ले स्टोर के अंदर, और प्ले स्टोर के अंदर जाके आपने ऐप डाउनलोड करनी है जी, PIXCL पिक्सल लैब। ये ले जी, ये वाली पहली जो ऐप है पिक्सल ऐप, ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है। अपने एंड्रॉयड फोन पे भी कर सकते हैं, और आप अगर आईफोन यूज कर रहे हैं तो वहां भी आप इसको यूज कर सकते हैं। चलें जी, ये हो गया इंस्टॉल। इसको करते हैं हम ओपन। ओपन करने के बाद ये अलाउ कर देते हैं। ये लें जी, ये इसका मेन इंटरफेस है। बहुत ही इजी स्टेप है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये बैकग्राउंड है, आप ये भी यूज कर सकते हैं। ये नीचे कुछ बैकग्राउंड दिए गए हैं, ये बाय डिफॉल्ट ये भी आप यूज कर सकते हैं, मगर मैं आपको शो करवाने जा रहा हूँ अपना कस्टम आपने थंबनेल कैसे प्रोफेशनल डिजाइन करना है। ये 3 डॉट जो ऊपर नजर आ रहे हैं, इस पर आपने करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने पहले डिफाइन कर लेना है साइज, इमेज साइज पे क्लिक करना है आपने। यहाँ से ये कस्टम है तो इसको आपने ड्रॉप डाउन को करना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जिस जगह लिखा हुआ है यूट्यूब थंबनेल, इसको करना है सिलेक्ट। तो ये एग्जैक्ट साइज जो है 1280x700 भी ऑटोमेटिकली ये बना देगा, इसको कर देना ओके। तो ये आप देख सकते हैं ये थंबनेल का जो साइज है पोर्ट्रेट फॉर्म में ये आ चुका है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, ये वाला जो टेक्स्ट है इसको हम कर देते हैं डिलीट। डिलीट करने के बाद, क्योंकि हमने सारा अपना कस्टम डिजाइन करना है, ये बैकग्राउंड जो है आप इस पर भी वर्क कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड जो यूज करना चाहूंगा वो व्हाइट और ग्रे यूज करूंगा, क्योंकि उसके ऊपर टेक्स्ट जो है वो मोर प्रोफेशनल होता है। तो ये बैकग्राउंड में आप लोगों के लिए फोटोशॉप के अंदर तकरीबन 5 जो है वो क्रिएट किए हैं, वो मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वहां से जाके आप डाउनलोड करके सेम जो मैं बैकग्राउंड यूज करने जा रहा हूँ वो आप यूज कर सकते हैं। ये जहाँ से ये स्केल टाइप बना हुआ है, इसको आपने करना है क्लिक। तो यहाँ से जाके आपने कलर ये जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका कोई भी आप ये देखिए, अगर मैं ये सिलेक्ट करके दिखाऊँ ये बैकग्राउंड कलर कोई भी आप इसका यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर मैं बैकग्राउंड कलर नहीं, मैं इमेज जो है वो अपलोड करूंगा बैकग्राउंड पे। तो मैं अपना जो इमेज है बैकग्राउंड का वो यहाँ से मैं अपलोड करूंगा। तो मैं जाऊंगा ये फ्रॉम गैलरी, यहाँ पर करूंगा क्लिक। क्लिक करके मैं अपने जो इमेज है बैकग्राउंड के लिए वो यूज करूंगा। ये मैं इमेज करता हूँ यूज जी, ये देखिए इसको मैं कर देता हूँ जी ओके। ये मेरा बैकग्राउंड आ गया। ये बैकग्राउंड जैसे मैं आपको बताया, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी अपलोड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं इमेज जो है वो अपलोड करने जा रहा हूँ, एक PNG अपनी इमेज अपलोड करूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि इमेज का बैकग्राउंड कैसे खत्म करते हैं, PNG कैसे बनाते हैं, तो इसी वीडियो के एंड पे मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। इसके ऊपर मैं अपनी इमेज जो है वो अपलोड करता हूँ, ये प्लस का साइन है, इस पर आपने करना है क्लिक। तो यहाँ पे ये फ्रॉम गैलरी, यहाँ से मैं इमेज उठाऊंगा और उसके ऊपर यूज करूंगा, ताकि ये थोड़ा ज्यादा प्रोफेशनल इसको करूंगा ओके। तो इसको मैं थोड़ा सा रिसाइज कर देता हूँ यहाँ से ऐसे, और उठा के मैं ले आता हूँ नीचे जी कॉर्नर पे। तो ये मैं यूज की है इमेज PNG बगैर बैकग्राउंड के। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये बगैर बैकग्राउंड के कैसे इमेज बनाते हैं, इमेज का जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट कैसे करते हैं, इमेज को PNG कैसे बनाते हैं, तो इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो भी सिखाने जा रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, तो मैं इसी वीडियो के लास्ट में आपको वो भी बताऊंगा। ये इसको रिसाइज कर सकते हैं आप। तो फ्रेंड इस इमेज को मैं और थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाने लगा हूँ, इसको हम थोड़ा सा दे देते हैं बॉर्डर, जिसको बोलते हैं स्ट्रोक, वो किसी भी कलर में हो सकता है। तो इसको ज्यादा थोड़ा सा और प्रोफेशनल बनाने के लिए तो हमने इसको इमेज को पहले करना है क्लिक। ये लाजमी याद रखिएगा, जो भी काम जिस चीज पे करना है उसको पहले आपने सिलेक्ट करना है। इसको किया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, इमेज को मैंने किया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद ये वाला जो ऑप्शन है इस पर आपने करना है क्लिक, और यहाँ से आपने फाइंड करना है स्टॉक, ये आ गई स्टॉक, इसको आपने करना है क्लिक। इसको कर दिया अनएबल, और इसको ये देखिए व्हाइट कलर का स्टॉक जो है वो ऐड हो गया है। तो अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ स्टॉक का, तो ये रेड कर दिया है। आप कोई भी कलर जो है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ज्यादा इसको ये रेड स्टॉक देना, इसको कर दिया ओके। तो ये देखिए यहाँ से आप कोई भी इसको कलर दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से कोई और कलर आपको देकर दिखाता हूँ, देखिए ग्रीन अगर करता हूँ ओके करता हूँ, तो
तो ये स्टॉक आ गया। तो इसको आप थोड़ा सा नीचे को देखेंगे तो ये स्टॉक की विड्थ है, इसको मैं थोड़ा सा साइज को बढ़ाता हूँ। ये देखिए, अगर मैं यहां से करता हूं तो, और इसको करता हूं ओके, दोबारा मैं आपको करके दिखाता हूं। तो इसको हम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं, कलर थोड़ा सा, ये देखिए, ये देखिए। तो ये कलर जो है ये हम रहने देते हैं, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसको करते हैं ओके। तो ये स्टॉक हो गया। अब हम ऐड करेंगे जी इस थंबनेल के ऊपर टेक्स्ट, टेक्स्ट आपने ऐड करना है। ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है फॉन्ट, इस पे आपने क्लिक करके ये टेक्स्ट पे जाना है। तो इसको उठा के मैं लाता हूं नीचे, इसको करते हैं डबल क्लिक, और यहां पे हम लिखते हैं जी क्रिएट HD। चलें जी इसको कर देते हैं जी ओके। ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा हम करते हैं जी बड़ा साइज में, उठा करते हैं जी ऊपर यहाँ पे, और इसको हम दे देते हैं, इसको भी हम देंगे स्टॉक। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा जनाब ये कलर है, कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, मगर मैं इसका व्हाइट कलर ही रखूंगा, मगर इसका जो थोड़ा सा बॉर्डर है उसको देंगे स्टॉक। यहाँ से ढूंढ लेते हैं, ये है जी स्टॉक, अनेबल करते हैं, ब्लैक हो गया, इसको करते हैं ओके, और थोड़ा सा शेडो जो है वो भी इसको प्रोवाइड करते हैं अनेबल करके। ये देखिए जी क्रिएट HD। तो चलिए ठीक है, ये इसको हम, ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो इसको हम करते हैं जी थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं, तो फॉन्ट इसका चेंज करते हैं। तो ये दोबारा हम ये A के अंदर हम एक फाइंड करेंगे ऑप्शन AB फॉन्ट, ये देखिए इसको हमने किया क्लिक। क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ जी, मैं ये वाला फॉन्ट यूज करता हूँ, इसको करेंगे क्लिक ओके, ये फॉन्ट आ गया। इसको थोड़ा सा करते हैं इस साइज में बड़ा, ये लेंगे इसको थोड़ा सा उठा करते हैं साइड पे, ये देखिए परफेक्ट हो गया। अब हम नया जो है वो टेक्स्ट ऐड करेंगे नीचे, दोबारा ये जाएंगे टेक्स्ट के ऊपर, इसको करेंगे नीचे, इसको मैं करूंगा क्लिक। क्लिक करने के बाद यहां लिखूंगा जी थंबनेल, थंबनेल, ये लेंगे थंबनेल, इसको हम करते हैं थोड़ा सा बड़ा, इसको थोड़ा सा करते हैं जी साइज में बड़ा, ये रखते हैं साइड पे यहाँ पे। तो इसका भी हम कर लेते हैं जी फॉन्ट चेंज, यहाँ फाइंड करेंगे AB फॉन्ट, ये लें जी इसका फॉन्ट, आप इसको आप जब स्क्रॉल करेंगे नीचे को कोई भी रख सकते हैं, जैसे मैं रखता हूँ ये, ये लें जी ये ले। अब इसको ये देखिए ये रीडेबल नहीं है, तो इसको रीडेबल बनाने के लिए इसका पहले करेंगे कलर चेंज। कलर चेंज करने के बाद मैं इसको एक बैकग्राउंड भी दूंगा, कलर चेंज बाद में करते हैं, पहले हम इसको देते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड ये देखिए जी, बैकग्राउंड अनेबल करेंगे, और इसको मैं थोड़ा सा देता हूँ जी बैकग्राउंड तेज सा कलर, इसको नीचे को करेंगे स्क्रोल करेंगे, तो यहाँ से मैं करता हूँ ऐड बैकग्राउंड। तो हम करते हैं जी इसको उठा के, ये ले इसको भी मैं लेके जाता हूँ इधर, इधर को मैं करता हूँ ओके। तो ये देखिए ये थोड़ा और ज़्यादा जो है रीडेबल बन गया है, ज़बरदस्त हो गया। अब अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं, ये पैडिंग है लेफ्ट राइट से, अगर आप ये देना चाहें तो ये भी दे सकते हैं आप, ये देखिए इसको थोड़ा सा मैं करता हूँ छोटा, और ये पैडिंग इधर से दी, ये पैडिंग आपने इधर से दी, और ये बेस्ट हो गया। चेक करें फ्रेंड, अब इसके बाद जो थर्ड है वो मैं लाइन लेके आपको दिखाती हूँ। देखिए आप, मतलब बात करने का मकसद ये है कि इसके साथ हर वे से आप प्ले करके देख सकते हैं। ये देखिए ये मुझे फॉन्ट जो है वो अच्छा लगा है। अब इसको मैं उठा के थोड़ा सा करता हूँ सेंटर में, यहाँ थोड़ा सा कर लेते हैं इसको बड़ा, ये लें जी यहाँ पे इसको करते हैं
बस। और आगे अगला जो टैक्स है वो करते हैं ऐड, ये मैं लिखता हूँ जी, इसको करते हैं क्लिक, यहाँ लिख देते हैं ऑन मोबाइल, क्योंकि इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और कहले के वैल्यूएबल बनाना है कि आवाम को पता चले कि आपका थंबनेल है किस चीज के लिए। तो आप बना रहे हैं ये थंबनेल मोबाइल के लिए, तो आवाम को ये पता लगना चाहिए कि ये थंबनेल थंबनेल अच्छा मतलब आपके कंटेंट का पता चलना चाहिए, बात ये है। ये ले जी, इसका मैं करता हूँ कलर चेंज, इसको हम थोड़ा सा कलर देते हैं जी। अगर मैं आपको कलर दे के दिखाऊं, ये वाला येलो शेप, और इसको ओके करते हैं, यहाँ पे इसको दोबारा देते हैं स्टॉप, और बैकग्राउंड इसका शेडो अनेबल करते हैं स्टॉक को, और नीचे आते हैं और इसको थोड़ा सा, ये देखिए ये रीडेबल हो गया, इसको करते हैं ओके, और शेडो देते हैं अनेबल करते हैं, ये देखिए ये परफेक्ट हो गया, इसको कर देते हैं ओके। हाँ इसको करते हैं थोड़ा सा इधर को सेंटर में हो जाए सारा कुछ। अब यहाँ पे इस पे आकर थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है कि ये थोड़ा सा रीडेबल है या नहीं है, तो इसको रीडेबल बनाने के लिए हम करते हैं जी कलर इसका चेंज करके देख लेते हैं जनाब, वाइट ही ओके करते हैं, तो ये वाला व्हाइट वाला भी नॉट बैड, ये ठीक है। इसका कलर को चेंज कर लेते हैं, इसका कलर मैं देता हूँ जनाब, अगर मैं ये ब्लू करके देखूँ तो ये भी ठीक है, ये भी मुझे परफेक्ट लगा है। क्रिएट HD थंबनेल ऑन मोबाइल, ये ठीक है जी। अब इसको हम थोड़ा सा देखते हैं जी, अगर कर सकें इसको सेंटर में, तो ये वाला रह जाएगा साइड पे, ये ले जी, ये आपका थंबनेल जो है प्रोफेशनल वन, ये आपका क्रिएट हो चुका है। अब इसको मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको कैसे एक्सपोर्ट कैसे करना है, ये देखिए HD क्वालिटी में इसको करना है सेव, सेव एज इमेज, ये देखिए हाई क्वालिटी में जा रहा है ये, सेव टू गैलरी, सिंपल आपने ये कर देना है, ये आपका जो इमेज है ये सेव हो चुका है, ये ऐड है इनकी, इसको करते हैं बंद। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ कि आपने ये वाली जो इमेज है इसका, इसको आपने PNG कैसे बनाना है, आपने सिंपल वे से अपने इमेज का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल जाना है जी गूगल पे और लिखना है जी रिमूव रिमूव डॉट bg, ये पहली साइड जो है इस पे जाना है, आपने जाके 1-2 सेकंड का काम है, आपका इमेज का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाएगा, ये देखिए जी इस पे आपने जाना है, और यहाँ से जाके आपने कहा देना है जी अपनी अपलोड इमेज, तो मैं कौन सी इमेज चाहता हूँ, लेट्स सपोज मैं अगर यही अपनी इमेज अपलोड करना चाहता हूँ और इसका बैकग्राउंड मूव करना चाहता हूँ, तो ये मैंने की अपलोड, ये देखिए अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, एक क्लिक भी नहीं किया, और ये मेरी इमेज का बैकग्राउंड जो था वो रिमूव हो गया। यहाँ से आप कर लें इसको डाउनलोड, दैट इज ऑल।